हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 14 चैप्टर का पूरा सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। आप लोग टिक कर लीजिए। उसके बाद गांधी जी स्टार्टेड द हिस्टोरिकल दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन मार्च 12, 1930 लिख लीजिए। उसके बाद व्हाट वाज द ब्रिटिश मोटिव बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। तो द ब्रिटिश वांट टू वीक द हिंदूइज मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद हु अमंग द वॉज नॉट अ मॉडरेट, तो लाला लाजपत राय। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद द रूल ऑफ ई, पहले आप लोग सारे आंसर्स देख लीजिए और उसके बाद ये वाले आंसर्स। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड ऑन 1 नवंबर 1858 सही आंसर है। और आप लोगों को इसको लिखना है और याद भी रखना है, जो रूल था इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी का वो एंड हुआ था 1 नवंबर 1858 में। इसके बाद डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पे आर्मी लिखा है, इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद अर्लियर फेजेस ऑफ कांग्रेस वॉज अंडर मॉडरेट लीडर्स। वो कांग्रेस का वो जो फेज था, मतलब फेजेस था, वो किसके अंदर था, तो मॉडरेट लीडर्स के अंदर। उसके बाद होम रूल लेजिस्लेटिव वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट इन मद्रास। उसके बाद रॉयल एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश टू पुट पीपल इन जेल विथ ट्रेल। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आता है हमारा मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में हम मैंने सारे नंबर्स लिख दिए क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा 1885। मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स, इसका आंसर हो जाएगा 1909। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इसका आंसर 1906। इसके बाद मॉन्टी रिफॉर्म, चेरी फोर्ड रिफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। और उसके बाद लास्ट साइमन कमीशन टू इंडिया, तो 1927। उसके बाद आता है डी पार्ट। डी पार्ट में हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट का वो कुछ ऐसा होगा। सबसे फर्स्ट जो हमको क्वेश्चन दिया है वो है मेंशन द मेन डिमांड ऑफ रेडिकल ग्रुप ऑफ द कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आप 3, 2 जितने भी चाहे लिख सकते हैं। क्रिएट प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंसेस, होल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया, स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटिश एंड द पॉलिटिक ऑफ इंडियन सोर्स एंड पीपल्स, इंश्योर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद स्टेट द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लखनऊ पार्ट ऑफ 1916। यहाँ पे हमें अचीवमेंट्स बताने हैं लखनऊ के 1916 में। द मॉडरेट एंड रेडिकल यहाँ पे RUNITED लिखा है टू स्ट्रेंथ द नेशनल मूवमेंट आफ्टर 9 ईयर्स। उसके बाद दे ज्वाइंट डिमांड सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस इमेज एज द मोस्ट प्रोविंसेस लीडर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बाद ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विथ एनिमी ऑफ द ब्रिटिश लाइक जर्मन एंड जापान टू गेट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम वॉज द स्लोगन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ई पार्ट देखेंगे।
एक्सप्लेन एनी थ्री मेन प्रोविंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें हमें एक्ट बताना है इंडियन गवर्नमेंट का, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, द ग्रांट ऑफ अ लार्ज म्यूजियम ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड एंडिंग द डांडी सिस्टम। सॉरी फ्रेंड्स, डांडी मतलब यहाँ पे वो मूवमेंट के बारे में नहीं है, यहाँ पे डार्जी सिस्टम के बारे में है। ये भी एक टाइप का सिस्टम था जिसमें बुक में हमें इसके बारे में दिया गया है। और उसके बाद आता है फर्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट का, हु वर द मॉडरेट्स, व्हाट वर देयर मेन डिमांड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, द अर्लियर फेजेस ऑफ कांग्रेस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर हु वेर रेफर एज मॉडरेट इन 1895-1905। द मॉडरेट हैड कम्पीटेड फेदर इन द ब्रिटिश। यहाँ पे इसके आंसर, पहले तो हमें बताना है मॉडरेट्स कौन थे जिसका आंसर यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद है व्हाट वर मेन डिमांड्स, तो डिमांड्स इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मॉडरेट्स, द अर्लियर फेजेस ऑफ द कांग्रेस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर हु वर रिफर एज मॉडरेट्स इन 1895-1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाई एमी टू मासेस मूवमेंट टुवर्ड इन्फ्लुएंस द स्टेज ऑफ फ्रीडम। तो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दो पॉइंट इसके बारे में। उसके बाद द सॉरी सिविल डिसॉल्विंग मूवमेंट, इसके बारे में भी तीन पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी गेव अ कॉल टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ एक्टिविस्ट गेव मेंशन टू द मूवमेंट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब टू मेन फाइव फीचर्स ऑफ मॉनुमेंट टू रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एक्ट 1935। तो फर्स्ट हो जाएगा मॉन्यूमेंट टू रिफॉर्म, इसमें दो पॉइंट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन दोनों को लिखने के बाद आ जाइए आप लोग नीचे फिफ्थ क्वेश्चन पे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वॉज लास्ट ब्लो टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट टू सपोज दिस स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा इसके आंसर्स, और बाकी का आंसर यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।